उसे। रिसेंटली मुकेश भट्ट ने मीडिया से बात करते हुए बॉलीवुड एक्ट्रेस असिन के बारे में कहा कि वो थर्ड ग्रेड एक्ट्रेस है, और अब कहा जा रहा है कि मुकेश ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि असिन ने उनकी एक फिल्म के ऑफर को ठुकरा दिया था। स्लमडॉग मिलियनेयर फेम गर्ल फ्रीडा पिंटो खुद को बॉलीवुड से ज्यादा हॉलीवुड एक्ट्रेस मानती है, और उनका कहना है कि उनकी पहली चॉइस हमेशा हॉलीवुड फिल्म्स ही रहेंगी, पर उनका ये भी कहना है कि अच्छे रोल्स मिलने पर वो बॉलीवुड फिल्में भी करने के बारे में सोचेंगी। जूनियर बी अभिषेक बच्चन फिल्मों के अलावा स्पोर्ट्स को बहुत पसंद करते हैं। अभिषेक बास्केटबॉल प्लेयर मैजिक जॉनसन के बहुत बड़े फैन हैं, और रिसेंटली जब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अभिषेक ने उनसे बात की तो अभिषेक ये जानकर शॉक रह गए कि मैजिक ने उनकी फिल्मों को देखा है। रिसेंटली सिमी गरेवाल के शो इंडियाज मोस्ट डिजायरेबल्स के सेट पर एक्टर रणवीर सिंह ने रिवील किया कि कास्टिंग काउच इंडस्ट्री की एक सच्चाई है, और उन्हें भी अपने बडिंग डेज में काफी ऐसे लोग मिले जिन्होंने रणवीर को एक्सप्लॉइट करना चाहा। श्रेया सारन को रिसेंटली सलमान खान की बहन अर्पिता की बर्थडे पार्टी में सलमान के साथ काफी घुल मिलते हुए देखा गया, और कहा जा रहा है कि सलमान और श्रेया काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं। इतना ही नहीं, सलमान तो श्रेया को बॉलीवुड में अपना करियर बनाने में मदद भी कर रहे हैं।